अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ शाम से शुरू। तो आज मैं ना सरसों, नहीं होता है जिसको जिसका तेल निकल, मतलब सरसों जैसे कि मेरी मम्मी बनाती थी सरसों में, आज मैं उसका ना उसी के अपनी मम्मी के तरीके का ना आज मैं ये मछली बना रही हूँ। तो ये देखिए, एक साइड से मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ इसकी, तो दूसरे साइड से मैं मच्छी को फ्राई कर रही हूँ। तो मछली में कुछ नहीं डाला मैंने, लहसुन नमक मिर्च डाल के तो इसको फ्राई कर दिया। तो इधर साइड से मैंने ये सरसों टमाटर और लहसुन को ग्राइंड करके फिर पहले तड़का दे के, आप देखना इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। तो बस आज खाने में यही बना रही हूँ, और सर्दियों में ऐसे भी सरसों गर्म होती है तो खाना चाहिए। तो बस आज जब ये बन जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखो, जब तक हमें भूनना, जब तक तेल अच्छी तरीके से ऊपर ना आ जाए मसाले के ऊपर, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, चाहे उसमें 15 मिनट लगे, जितना हम मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, जब ये बन जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मुनीब साहब जादू बने हुए, मम्मा की स्वेटर डाल के। लेकिन मुनीब कितनी सर्दी लग रही है, क्या हो गया, कितनी सर्दी लग रही है आपको, सर्दी लग रही है, अब कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप मम्मा के स्वेटर पे, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, है कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो देखिए किस तरीके पूरा फिरन का काम किया है लहंगा मैंने, गाउन आपने डाला गाउन इसको। गाउन का काम किया इसने। तो ये देखिए, ये ना आलू गल गए हैं, ये देखिए अच्छे से आलू हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल ना हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ना मच्छी डालूंगी, तो ये देखिए किस तरह तेल भी ऊपर आ गया। तो अब मैं मच्छी डालूंगी, मच्छी डालने के बाद देखो मच्छी भी फ्राई करके मैंने रखा है, उधर साइड धनिया है, फिर मैं धनिया डालूंगी, इधर साइड हमारी कांगड़ी जो सर्दियों में इसका गुजारा होता है। तो ये ऐसी मच्छी हमारी मम्मी बनाया करती थी, तो आज मैं उनकी तरह ही ट्राई की हूँ। इसका ना जो सरसों होता है ना, मतलब कि इसको अलग से डालना होता है, पर मेरे को ग्राइंडर का ना जार बहुत बड़ा था तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इकट्ठे ही कर दिया, एक ही साथ भून दिया, वरना अलग अलग किया जाता है। तो चलो मैं इसमें अब मच्छी डाल के फिर इसका आपको देखना शॉर्ट वीडियो मैं कैसे बनाई हूँ। अब मैं इसको फाइनल लुक ही दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए मुनीब इंजॉय करता हुआ, और ये जो मैं मछली बना रही हूँ ना, ये इधर की कश्मीर की रेसिपी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं सरसों वगैरह यूज़ करते हैं खाने में, इधर तो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं सौंफ और सौंठ पाउडर, तो ये यहाँ की नहीं है। बीच बीच में जब मैं अपने घर की भी रेसिपी ट्राई करती रहती, मतलब बनाती रहती हूँ, तो वो उसी वही रेसिपी है ये, है मुन्नू, बस इसको टीवी देखना होना चाहिए बस। मैंने रिमोट सर्दी, ले लिया आप ना, कल से यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी पूरे हफ्ते के लिए, मैंने तो रिमोट वो भी ले मैं लिया ना, आपको तभी से दिखाऊंगी, रोई यहाँ बर्फ बहुत अच्छा, जब बर्फ पड़ती है बस एक हेलो प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं होती, बाकी तो बहुत मजा हेलो आता है। तो ये देखिए मैंने खाना, अब खाना लगा दिया, तो ये देखिए हमारी फिश कड़ी बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपको पता है उस्मान साहब पहली बार खाएंगे, क्योंकि इतने सालों में मैं यहाँ नहीं बनाई थी, पर आज मैं बना रही हूँ, पर हमारे घर ऐसे ही बनता था, उस्मान साहब बताएंगे कैसा बना है। ठीक है उस्मान, ये देखिए उस्मान साहब अब टेस्ट करेंगे। में आलू भी डाले हैं, देखिए हाँ आलू भी एक नई रेसिपी है, क्योंकि पर आलू अच्छी लगेगी इतना मुझे मालूम है, क्या करूं। बहुत टाइम किस बात खा रहा हूँ ये आपने आलू, कहाँ खाई, आपने तो खाई भी नहीं तो बिस्मिल्लाह है। करते मैं भी इधर हैं। का खाती हूँ, तो ये भी मेरे घर का, कई बार मुझे दिल करता है तो ये मैं बनाती हूँ। अब खा बताएं, ले ले बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, ये बहुत अच्छी है, तो मुझे हम पसंद आई। मतलब कि हम दोनों ही एक दूसरे का वो करते हैं, एक दूसरे की तो नेशनलिटी से होता है। मतलब पसंद का खाना खाते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी फिश कड़ी बनी है, तो आप भी जरूर ट्राई करना, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है हराम कितना कि मैं बुरा किस है। तरीके से बनाती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।